Hello everyone, welcome to our series called Arthanomics, where we shall discuss various concepts related to the field of economy for your UPSC preparation. And today's topic of discussion is Incremental Capital Output Ratio, ICOR. Well, newspaper mein economy related jab bhi articles aate hain, to usme kai bari ye word mentioned hota hai. आप में से बहुत लोगों को आर्टिकल समझने में ही डिफिकल्टी आती है बिकॉज उन्हें ये वर्ड का मतलब नहीं पता या ये नहीं पता कि ICOR के इकोनॉमी को लेके इम्प्लीकेशंस क्या हैं. तो आज की वीडियो में हम इसी वर्ड को या इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे. ऑलराइट, सो व्हाट विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो. वेल, ICOR समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट. What do economists mean when they say कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है या इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम हो गई है. इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है इकॉनमी के लिए, वो देखेंगे. Then we'll see why is investment important for an economy. Why do economists या various policy makers say कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी अगर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी. इन्वेस्टमेंट क्या रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो देखेंगे. Then we'll come to what is incremental capital output ratio. हम जानेंगे ये है क्या और इसे calculate क्यों करते हैं, इससे पता क्या चलता है हमें. Alright? And last में brief में हम देख लेंगे relation between incremental capital output ratio and marginal product of capital. So without further delay, let's start with what is investment. तो पहला point है investment क्या होती है. Total amount of capital goods produced in an economy in a year is termed as gross investment of that economy. Well, total amount of goods and services produced in an economy in a year को हम कहते हैं GDP. ठीक है, तो जो GDP होती है, GDP क्या होती है, it is the total amount of final goods and services produced in an economy in a year. ठीक है, तो जितने भी final goods and services produced होंगे एक economy में एक साल में, उसे हम GDP कहते हैं. अब जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं ना, उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. जो फाइनल गुड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं कैपिटल गुड्स. ठीक है, तो इसीलिए जीडीपी को भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं. कंजम्पशन होगी जितने भी कंज्यूमर गुड्स बन रहे हैं, जितने के कंज्यूमर गुड्स बन रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट होगी जितने के कैपिटल गुड्स बन रहे हैं. ऑलराइट, सो लेट्स सपोज अगर इंडिया की जीडीपी 100 रुपीज है जिसमें से 60 रुपीज के कंज्यूमर गुड्स बन रहे हैं और 40 रुपीज के कैपिटल गुड्स बन रहे हैं, तो मैं कहूंगा उस साल इंडिया की ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 40 रुपीज की है. टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकॉनमी इन वन ईयर वुड कॉन्स्टिट्यूट एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, या इन्वेस्टमेंट जनरली कह देते हैं. अब कैपिटल गुड्स होते क्या हैं? कंज्यूमर गुड्स तो नॉर्मल गुड्स होते हैं जो हमारे कंजम्पशन के लिए होते हैं. कैपिटल गुड्स वो फाइनल गुड्स होते हैं विच आर यूज फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस. चलिए डेफिनेशन ही देख लेते हैं. इट इज अ टाइप ऑफ ड्यूरेबल गुड दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, जैसे टूल्स हो गए, मशीन्स हो गई. मशीन्स जो होती हैं वो कैपिटल गुड होती हैं. क्यों? बिकॉज मशीन्स हैं तो फाइनल गुड, बट मशीन्स को आप यूज कर रहे हो कुछ और बनाने के लिए. ठीक है, एक फार्मर ट्रैक्टर को यूज करता है वीट या राइस उगाने के लिए, तो ट्रैक्टर उसके लिए क्या हो जाएगा? ट्रैक्टर उसके लिए कैपिटल गुड हो जाएगा. कैपिटल गुड वो गुड्स होते हैं, टूल्स, मशीन, इंप्लीमेंट्स, जो दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में आपकी हेल्प करते हैं. तो टूल्स, मशीन्स, प्लांट, मशीनरी, ये सारी चीजें कैपिटल गुड्स का पार्ट होंगी. एक और डेफिनेशन है कैपिटल गुड्स की, यहां देखिए, दीज आर अ टाइप ऑफ टैंजिबल एसेट्स. टैंजिबल वो होता है जिसे आप टच और फील कर सकते हो. दीज आर अ टाइप ऑफ टैंजिबल एसेट्स दैट प्रोड्यूसर्स यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, ये वो फाइनल गुड्स होंगे जिन्हें आप नए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हो. एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गुड्स होगा, टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट होता है, मशीनरी होती है, ऑफिस स्पेसेस होते हैं. ऑफिस स्पेसेस एक तरह की आपकी कैपिटल ही है बिकॉज आप उसे यूज कर रहे हो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, है ना, बिजनेस करने के लिए. देन सॉफ्टवेयर होता है, बहुत सारी कंपनी सॉफ्टवेयर पे चलती हैं, हर कंपनी का एक सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर आपकी कैपिटल होगी. ऑलराइट, देन कल्टीवेबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. कल्टीवेबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या होती हैं? जैसे डेयरी फार्मर है, तो वो जो डेयरी फार्मर है वो कुछ कैटल, है ना, भैंसों को पालता होगा, कैटल, काउज वगैरह इनको पालता होगा, तो फॉर दैट डेयरी फार्मर कैटल उसके लिए कैपिटल गुड हो जाता है. इसलिए ऐसे जैसे पोल्ट्री फार्मर होगा तो उसके लिए जो चिकन होंगे, पोल्ट्री होगी, वो कैपिटल गुड होगा. ये जो लिविंग बींग्स होते हैं ना जो कैपिटल गुड्स का काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कल्टीवेबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज.
तो डेयरी फार्मर के लिए जो कैटल है वो उसके कैपिटल गुड है, और कैटल को ही हम कहते हैं कल्टीवेबल बायोलॉजिकल रिसोर्स. ऑलराइट, देन नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम वगैरह, ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर भी कैपिटल गुड का ही पार्ट होता है. व्हाई? बिकॉज रोड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज होती हैं, रेलवेज ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज होती हैं, है ना. तो कैपिटल गुड्स क्या थे? वो गुड्स जो कोई दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज होते हैं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज होते हैं. दैट इज वाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल गुड. एंड लास्ट इज रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन या रेजिडेंशियल बिल्डिंग. तो आपको ये तो क्लियर हो गया है कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं. ऑलराइट, ये हम दोबारा एक बार ही देख लेते हैं. जीडीपी कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. तो हमने ये तो देख लिया है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है. अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमी के लिए. एडवांटेजेस ऑफ हायर इन्वेस्टमेंट. सबसे पहले इट बूस्ट एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी. अच्छा, लेट्स सपोज गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो रोड्स और ब्रिजेस बनाने में खर्चा करेगी. तो जब अगर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वो रोड्स और ब्रिजेस बनाने में खर्चा करेगी, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो इन्वेस्टमेंट करेगी. ठीक है, अब गवर्नमेंट जब रोड्स एंड ब्रिजेस बनाती है तो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है. जैसी गवर्नमेंट ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी, जैसी गवर्नमेंट रोड्स और ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करेगी, डोंट यू थिंक रोड बनाने के लिए वो रॉ मटेरियल परचेज करेगी, रोड बनाने के लिए या ब्रिज बनाने के लिए वो सरिया वगैरह, आयरन बार्स परचेज करेंगे, सीमेंट परचेज करेंगे, ये सारी चीज़ें परचेज करेंगे. अब रोड बनाने के लिए उन्हें जो मटेरियल चाहिए होगा उसकी गवर्नमेंट डिमांड बढ़ा देगी, तो इकोनॉमी में सीमेंट की डिमांड बढ़ जाएगी, आयरन की डिमांड बढ़ जाएगी. ठीक है, लेबरर्स की डिमांड बढ़ जाएगी. मेक सेंस? अब जैसे ही गवर्नमेंट ये इन्वेस्टमेंट करती है तो गवर्नमेंट डिमांड बढ़ा देती है वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज की, है ना, रॉ मटेरियल की जो रोड बनाने में यूज होगा, आयरन की अगेन, और गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देती है. उन्हें एम्प्लॉयमेंट देगी तो उन्हें पैसे भी देगी. जैसे ही वो वर्कर्स, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनके पास पैसा आएगा, वो और गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए. तो ओवरऑल इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है. जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, डिमांड बढ़ जाती है, और इकोनॉमी ग्रो करने के लिए डिमांड इंपॉर्टेंट है. बिना डिमांड के इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर सकती. ये तो हो गया एक एडवांटेज. दूसरा, इट एड्स टू द कैपेसिटी ऑफ दैट इकोनॉमी. जितना ज्यादा आप प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल गुड्स में खर्चा करोगे, उतनी ही आपकी इकोनॉमी की कैपेसिटी बढ़ती है. कैपेसिटी का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में एक ही फैक्ट्री थी. ये जो फोटो है, मान लीजिए यहां पे, ठीक है, ये एक ही फैक्ट्री थी और ये 100 गुड्स बनाती थी. अब अगर पूरे इंडिया में एक ही फैक्ट्री है तो इंडिया की इकोनॉमी की 100 गुड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होगी. बट जैसे ही मैं एक और फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर दूंगा, एक और फैक्ट्री लगा दूंगा, एक और फैक्ट्री का मतलब मैं प्लांट और मशीनरी सेटअप कर रहा हूं एक और. जैसे ही मैं एक और फैक्ट्री लगाता हूं या एक और फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करता हूं, अब मेरी इकोनॉमी की कैपेसिटी डबल हो जाएगी. पहले एक फैक्ट्री थी तो वो 100 गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी, अब दो फैक्ट्रियां हो जाएंगी तो वो 200 गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, है ना. मेक सेंस? तो डोंट यू थिंक कि जितनी ज्यादा मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा प्लांट एंड मशीनरी में, उतनी ज्यादा मेरी इकोनॉमी की प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी, वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाएगी. इसीलिए लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ते रहनी चाहिए. वैसे ही रोड्स की बात होगी, जितनी ज्यादा मैं रोड्स बनाऊंगा उतनी ज्यादा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी बढ़ेंगी इकोनॉमी में, उतनी ज्यादा इकोनॉमी की ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी. तो इसीलिए जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है उतनी ज्यादा इकोनॉमी की प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ती है, ताकि वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाए. और कोई इकोनॉमी जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी, वो इकोनॉमी की जीडीपी उतनी ही ज्यादा होगी. ऑलराइट, तो ये हो गया एड्स टू द कैपेसिटी ऑफ दैट इकोनॉमी, ऑफ द इकोनॉमी. Then next is, it enhances productivity and productive capacity of the economy. Productivity या productive capacity मतलब, मान लीजिए मैं एक कंपनी चला रहा हूँ और वो कंपनी में जो मशीन लगी है वो 100 गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है या 100 गुड्स प्रोड्यूस करती है. ठीक है, अब मैं सोचता हूँ कि ना मैं हायर क्वालिटी की मशीन लगा लेता हूँ, ये जो पुरानी मशीन है इसको ख़त्म कर देता हूँ और हायर क्वालिटी की मशीन लगा लेता हूँ. हायर क्वालिटी की अगर मैं मशीन लगाऊंगा तो वो जो नई बेटर क्वालिटी की मशीन है वो ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेगी. पुरानी मशीन अगर 100 गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी तो ये नई मशीन 150 गुड्स प्रोड्यूस करेगी.
ऑलराइट। तो जैसे ही मैंने इन्वेस्टमेंट करी नई मशीन में, मेरी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी तो बढ़ गई, एफिशिएंसी भी तो बढ़ गई मेरी फैक्ट्री की। पहले मेरी फैक्ट्री सिर्फ 100 गुड्स बना पा रही थी, अब यही सेम फैक्ट्री ज़्यादा गुड्स बना पा रही है। तो पहले तो हमने बात करी थी, सेकेंड एडवांटेज देखा था, इट एड्स टू द कैपेसिटी ऑफ दैट इकोनॉमी। पर इन्वेस्टमेंट से जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसे भी एफिशिएंट किया जा सकता है। अगर मैं एजुकेशन में या स्किल्ड लेबर में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे लेबरर्स की स्किल बढ़ जाएगी, वो बेटर प्रोडक्टिविटी से काम करेंगे। अगर मैं अपनी पॉपुलेशन को ज़्यादा एजुकेट करूंगा तो वो एजुकेटेड लोग ज़्यादा बेटर काम करेंगे। ऑल राइट, एंड लास्ट इज इट हैज़ अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकॉनमी। इसका मतलब अगर मैं 100 रुपीस की इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना तो इकोनॉमी में इवेंचुअली 200 या 250 रुपीस का ही फायदा होता है। ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट होती है इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं सिर्फ 100 रुपीस की इन्वेस्टमेंट करूँ तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी 100 रुपीस की होगी। नहीं, अगर मैं 100 रुपीस की इन्वेस्टमेंट करूँ तो शायद इकोनॉमी को जो फायदा होगा वो मल्टीप्लाई होके होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। Therefore, it is a given fact that higher investment boosts economic growth by boosting aggregate demand. It also improves the prospects of future economic growth by adding to the productive capacity of the economy. ठीक है, एक तो aggregate demand बढ़ाने से economic growth होती है, एक आप economy की capacity बढ़ा देते हो ताकि वो ज़्यादा goods and services produce कर सके। All right, चलिए अब हमें पता चल गया what is investment and we also know why is it important. Now let's get back to incremental capital output ratio. ठीक है, अब incremental capital output ratio क्या है, ध्यान से इस लाइन को पढ़ते हैं। It indicates the additional amount of capital slash investment. अब capital investment एक ही बात है, हमने देख ही लिया है। It indicates the additional amount of capital needed to generate an additional unit of output. ठीक है, इसका मतलब कि अगर आपकी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 4:1 है, इफ योर ICOR इज 4:1, दैट मींस दैट यू नीड टू इन्वेस्ट 4 रुपीज इन कैपिटल टू जनरेट 1 रुपीज ऑफ एडिशनल आउटपुट। इसका मतलब यह है कि अगर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर आपका 4:1 है, इसका मतलब यह है कि जब आप 4 रुपए इन्वेस्ट करते हो ना कैपिटल में, तो आपकी जो GDP है या आपकी आउटपुट है जो, वो 1 रुपए से एक्स्ट्रा बढ़ती है। लेट सपोज अभी आपकी GDP 100 रुपीज की चल रही है, जैसी आप 4 रुपीज इन्वेस्ट करते हो तो आपकी GDP 100 से 101 हो जाएगी। क्लियर, तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या बताता है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बताएगा कि आपको कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आपको 1 यूनिट ऑफ आउटपुट मिले एक्स्ट्रा, 1 रुपए की आउटपुट आपको एक्स्ट्रा मिले। जैसे कि थर्ड पॉइंट में देखना, इफ यू नीड अ GDP ग्रोथ रेट ऑफ 10% In this case का मतलब अगर आपकी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 4:1 है, तो अगर आपको GDP ग्रोथ रेट 10% का चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट 40% ऑफ योर GDP चाहिए होगी। बिकॉज आपका इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 4:1 है, तो जब आप 40% ऑफ योर GDP इन्वेस्ट करोगे ना, तभी आपको 10% का GDP ग्रोथ रेट मिलेगा। दैट मीन्स 10 रुपी, अगर आप 40 रुपीज इन्वेस्ट करोगे तो आपको 10 रुपए की एडिशनल आउटपुट मिलेगी, है ना, अगर आपका ICOR 4:1 है। नाउ ये हम सब जानते हैं कि जितना ज्यादा ICOR होगा, मतलब अगर यहां 4:1 ना लिखा होता, 6:1 लिखा होता, तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी इनएफिशिएंट है ज्यादा। जितना ICOR का नंबर कम होगा उतनी ज्यादा आपकी इकोनॉमी एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि आपको कम कैपिटल लगानी पड़ रही है और आपको ज्यादा ग्रोथ मिल रही है, ज्यादा आउटपुट मिल रही है। और जितना ज्यादा ये नंबर बड़ा होगा ICOR का, उसका मतलब आपकी इकोनॉमी उतनी ही कम एफिशिएंट है। कम एफिशिएंट का मतलब कि आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है तब जाके आपको 1 रुपए की आउटपुट ग्रोथ मिलती है। ठीक है, दैट इज व्हाई वी कैन से ICOR इंडिकेट्स द प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ योर कंट्री। अब प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या होता है, इट इज एन इकोनॉमिक टर्म डिस्क्राइबिंग अ लेवल इन विच एन इकोनॉमी कैन नो लॉन्गर प्रोड्यूस एडिशनल अमाउंट्स ऑफ अ गुड विदाउट लोअरिंग द प्रोडक्शन लेवल ऑफ अनदर गुड। इसका मोटे मोटे तौर पे समरी के फॉर्म में इसका प्रोडक्शन एफिशिएंसी का मतलब होता है आपकी इकोनॉमी की मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी।
तो अगर मेरी इकोनॉमी में सिर्फ 100 रुपए के गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, ये मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो उसका मतलब होगा कि मेरी प्रोडक्शन एफिशिएंसी 100 रुपीज की है। ऑलराइट, मेरे मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होगी उसे मैं प्रोडक्शन एफिशिएंसी कहूंगा। तो ICOR इंडिकेट्स द प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ योर कंट्री। जितना ज्यादा ICOR होगा उतनी कम आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी होगी, जितना ज्यादा ये नंबर होगा, और जितना कम ये नंबर होगा उतनी ज्यादा आपकी कंट्री की प्रोडक्शन एफिशिएंसी होगी। ऑलराइट, एक बार ये ICOR का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ICOR इज इक्वल टू एनुअल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल इंक्रीज इन GDP। अगर आपकी एनुअल इन्वेस्टमेंट है 40% और आपकी एनुअल इंक्रीज इन GDP 10% है, दैट मींस आपका ICOR चल रहा है 4:1, जो हमने पिछला एग्जांपल देखा है यहां पे। ऑलराइट, चलिए, सो हायर द वैल्यू ऑफ ICOR, लोअर द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। सो अ कंट्री शुड ऑलवेज स्ट्राइव टूवर्ड्स डिक्रीजिंग इट्स ICOR, है ना। आप अपनी इकोनॉमी को ज्यादा एफिशिएंट चाहोगे ना, तो जितना ज्यादा आप अपनी इकोनॉमी को एफिशिएंट करोगे उतना ही ज्यादा ICOR का नंबर कम होता जाएगा। ऑलराइट, अब आ जाते हैं हम लास्ट पार्ट पे, ICOR एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। वेल, ICOR इज इक्वल टू 1 बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, मतलब ICOR इज अ रेसिप्रोकल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, सिंपल सी चीज है। ICOR क्या था, आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि एक यूनिट आउटपुट बढ़े। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा कि आपका कितनी आउटपुट निकलती है जब आप एक यूनिट इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, इट इज द एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ एन एडिशनल यूनिट, यूनिट वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो अगर आपका ICOR 4:1 चल रहा है, दैट मींस आप 4 रुपए लगाते हो तो 1 रुपए का आपको आउटपुट मिल रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल होगा कि जब आप 1 रुपया कैपिटल लगाते हो तो कितने रुपए की आउटपुट निकल रही है। तो अगर आपका ICOR 4:1 चल रहा है तो इसका मतलब जब आप 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करोगे तो डोंट यू थिंक आपकी आउटपुट 0.25 से बढ़ेगी या 1/4 से बढ़ेगी। मेक सेंस, अगर आप 4 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 1 रुपए से आपकी आउटपुट बढ़ती है, अगर आप 1 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो आपकी आउटपुट कितने से बढ़ेगी, 0.25 से। वेल, मार्जिनल कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल यही होता है कि जब आप 1 यूनिट इन्वेस्ट करते हो ना, 1 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो आपकी आउटपुट कितने से बढ़ रही है, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो कैन आई सेफली से कि बोथ ऑफ दीज टर्म, ICOR एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, बस यही चीज है। तो आपको अगर अपनी इकोनॉमी की एफिशिएंसी चेक करनी होती है तो आप या तो ICOR से चेक कर लेते हो या मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल से। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है ICOR का, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर वीडियोस एंड मोर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ इकोनॉमी। थैंक यू एवरीवन।